हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर मैं बहुत दिनों से डिसीज़ेस के ऊपर वीडियो बना रही हूँ इस स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सारे डिसीज़ेस मैंने पिछले कुछ वीडियो में कवर कर दिए हैं इन वीडियोस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है अगर किसी को ये वीडियो देखने हैं तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा आज हम एक और डिसीज को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फाइलेरियासिस जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट से होता है इस वीडियो में हम इस डिसीज़ के सिम्टम्स कॉजेस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे चलिए अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फाइलेरियासिस को एलिफेंटियासिस या फिर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहा जाता है स डिसीज़ इज़ कॉज बाई पैरासट अगर इस पैरासिटिक वाम से कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड है और अगर ऐसा इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी को बाइट करता है किसी हेल्दी पर्सन को अगर ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है तो उस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन हो सकता है सो पैरासिटिक वाम कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू मॉस्किटोज ये पैरासिटिक वॉम्स थ्री टाइप्स के हैं जिससे फाइलेरियासिस होता है और उन पैरासाइट्स का नाम है पहला जो नाम है वो है डब्ल्यू बैक्रॉफ्टी सेकेंड इज़ बी मेलाई और थर्ड जो पैरासाइट है जिनसे फाइलेरिया होता है वो है बी टिमोरी ये पैरासाइट बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है तो ये बॉडी के टिश्यू वेसल्स और ऑर्गन का नेटवर्क होता है और लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन होता है ये बॉडी से वेस्ट और टॉक्सिक मटेरियल को बाहर फेंकती है और अगर ये सिस्टम पैरासाइट ने ब्लॉक कर दी या पैरासाइट ने लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल को एनलार्ज कर दिया तो लिम्फेटिक सिस्टम का प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं होगा वेस्ट मटेरियल बॉडी से प्रॉपरली रिमूव नहीं किया जा सकेगा और इस वजह से बॉडी में स्वेलिंग होगी तो फाइलेरियासिस में जनरली लेग्स पोर्शन में स्वेलिंग आ जाती है अब स्वेलिंग क्यों आएगी क्योंकि ये पैरासाइट लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल को एनलार्ज कर देते हैं तो इस वजह से इस डिसीज में स्वेलिंग आ जाती है नाउ वी विल डिस्कस सिम्टम ऑफ फाइलेरियासिस द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एलिफेंटियासिस इज स्वेलिंग ऑफ बॉडी जनरली लेग्स क्रॉटम ब्रेस्ट और आर्म पे स्वेलिंग आती है बट लेग आर द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरिया सेकेंड सिम्टम हो सकता है द स्कीन इज ऑल्सो अफेक्टेड इट मे बी ड्राई थीक अल्सरेटेड डार्कर देन नॉर्मल दैट मीन जो नॉर्मल स्किन का कलर है वो थोड़ा सा स्लाइटली डार्कर हो सकता है कभी कभी किसी में एडिशनल सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं सच एज फीवर एंड चिल्स एंड सम टाइम एलिफेंटियासिस अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम और ऐसे कंडीशन में सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये सारे हैं सिम्टम्स ऑफ़ फाइलेरियासिस नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये डिसीज फैलता कैसे है अगर फीमेल मॉस्किटो जो कि है क्यूलेक्स मॉस्किटो अगर ये फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट से इन्फेक्टेड है अगर ऐसे फीमेल मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर दिया तो उसके प्रोबोसिस से दैट मींस ये जो माउथ पार्ट है मॉस्किटो का तो वहाँ से पैरासाइट हेल्दी पर्सन में एंट्री कर देगा और उस पर्सन को इन्फेक्शन होगा जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तब उसके बॉडी में जो लार्वा है वो लार्वा स्किन के ऊपर चला जाएगा ह्यूमन के स्किन के ऊपर जाएगा और वहाँ पे वो पेनिट्रेशन करेगा दैट मीन्स वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री करेगा अब जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री करता है तब वो मोल्डिंग की प्रोसेस करता है अब मोल्डिंग दैट मीन्स क्या है तो मोल्डिंग ये ऐसी प्रोसेस है जो कि लार्वा की जो आउटर कवरिंग है प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो वहाँ से निकाल देता है तो उस प्रोसेस को मोल्डिंग कहते हैं तो क्या हुआ जो भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उसने बॉडी को बाइट कर दिया वहाँ से लार्वा बॉडी के अंदर चला गया वहाँ पे मोल्डिंग हुआ अब मोल्डिंग होने के बाद वो वहाँ पे मैचर्ड हो जाएगा वो एडल्ट बन जाएगा अब जैसे ही वो एडल्ट बन गया वो चला जाता है लिम्फ एंड ब्लड चैनल की तरफ और वहाँ पे वो जाके इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है और अगर ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को कोई और मॉस्किटो अगर बाइट करता है तो उस पर्सन से पैरासाइट उस दूसरे मॉस्किटो के बॉडी के अंदर चला जाएगा और अगर ऐसा इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करते करता है तो वो फिर से वो लार्वा चला जाएगा दूसरे हेल्दी पर्सन में तो ऐसे कंप्लीट ये साइकिल चलती रहती है फाइलेरियासिस की तो ऐसा ये डिसीज फैलता है पर्सन टू पर्सन और उसे ट्रांसमिट करने वाला कौन कौन सा वेक्टर होता है वो रहता है मॉस्किटो धिस डिशीज इज मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सचेज अफ्रीका साउथ ईस्ट एशिया इंडिया साउथ अमेरिका नौ इस डिसीज़ को डायग्नोज कैसे करते हैं तो सबसे पहला है फिज़िकल एग्जामिनेशन तो डॉक्टर क्या करेंगे जो भी पेशेंट आएगा उनका पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और अगर डॉक्टर कैसे लगता है कि उस पेशेंट को फाइलेरियासिस हुआ है उसके सिम्टम्स और फिज़िकल एग्जामिनेशन करके अगर उन्हें लगता है कि उन्हें फाइलेरियासिस हुआ है तो कन्फर्मेशन के लिए डॉक्टर उसे ब्लड टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं और एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड से ये जाना जाता है कि पेशेंट को सेम सिम्टम्स होने के बावजूद दूसरा कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं तो डॉक्टर डा, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी करने के लिए बोल सकते हैं तो ये होते हैं फाइलेरियासिस के डायग्नोसिस अभी हम देखेंगे इसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा गोल है एडल्ट वॉर्म को किल करना जैसे कि मैंने पैरासाइट के लाइफ साइकिल में बताया था कि जो एडल्ट पैरासाइट है अगर उसे किल किया जाए तो इस डिसीज़ को ट्रीट करना पॉसिबल हो सकता है सो पैरासिटिक ड्रग से इस डिसीज़ को ट्रीट करना पॉसिबल हो सकता है एंटी पैरासिटिक ड्रग्स होते हैं डी ई सी तो डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं टू ट्रीट फाइलेरियासिस नाउ प्रिवेंशन क्या है इस डिसीज़ को रोका जा सकता है या नहीं तो सबसे पहला है हमें मॉस्किटो को अवॉइड करना है बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटो है अगर कोई वहाँ पे रहता है तो उन्होंने मॉस्किटो नेट यूज़ करनी चाहिए या फिर यूज़ इंसेक्ट रिपेलेंट या फिर बहुत ज़्यादा मॉस्किटो होने वाले एरिया में अगर कोई रहते हैं तो उन्होंने लॉन्ग स्लीवस के ड्रेस या आ, ड्रेस वियर करने चाहिए तो ये कुछ बेसिक प्रिवेंटिव मेजर होते हैं जिससे हम फाइलेरिया इसको दूर रख सकते हैं और लास्टली मैंने यहां पे दिए हैं रिस्क फैक्टर फॉर एलिफेंटियासिस किन्हें ये डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है तो ये कोई पर्टिकुलर एज के पर्सन को ये डिसीज़ नहीं होता है तो सभी टाइप के एज को एज के पर्सन को ये डिसीज़ हो सकता है चाहे वो वुमन हो या फिर मेन हो या फिर छोटे बच्चे हो तो ये रिस्क फैक्टर सभी को है तो इसलिए हमें उस उसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर करने हैं हमें मॉस्किटो से दूर रहना है तो ये बेसिक कुछ हमने अगर चीज़ें कर ली तो इस डिसीज़ से सभी जन दूर रह सकते हैं तो आज हमने डिस्कस किया है फाइलेरियासिस के ऊपर अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू